मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपकी सरकार एक तरफ से फेल हो चुकी है। जमीनी स्तर पर सरकार दिख ही नहीं रही है। कमलनाथ जी, आप मजबूर नहीं, मजबूत मुख्यमंत्री बनकर दिखाएं, ये कहना कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक लक्ष्मण सिंह का है। लक्ष्मण सिंह जो कह रहे हैं वो सच भी है। आपके चापलूस तो आपको ये बताने से रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, सीनियर कांग्रेस लीडर और विधायक लक्ष्मण सिंह ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। लक्ष्मण सिंह की यह खूबी है कि वे हर सच बड़ी ही बेबाकी से बयान कर देते हैं। लक्ष्मण सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आप पर तंज कसते हुए कहा कि आप मजबूत मुख्यमंत्री बनकर दिखाएं, मजबूर मुख्यमंत्री ना बने। कांग्रेस दिग्गज दिग्विजय सिंह के अनुज विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, अब तक सिर्फ सरकार बचाने के प्रयास किए जा रहे थे, अब सरकार चलाने के प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर सरकार दिख नहीं रही है। काम नहीं हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, मनरेगा के काम नहीं दिख रहे, कॉलेजों में जनभागीदारी समिति बनी ही नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को एक संदेश है आपके माध्यम से कि आप मजबूत मुख्यमंत्री बन के काम करिए, मजबूर मुख्यमंत्री बन के काम मत करिए। अभी तक जो प्रयास हो रहे हैं, सरकार बचाओ बचाओ बचाओ, अब प्रयास करिए सरकार चलाने के लिए, सरकार चले। अभी नीचे दिख नहीं रही है सरकार, किसी क्षेत्र में देख लीजिए आप, काम नहीं दिख रहे हैं, न मनरेगा के काम दिख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत आप देख रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, कॉलेजेस में जन भागीदार समिति नहीं बनी है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा यही सुझाव है कि सरकार चलाने में ज़्यादा ध्यान दें, बचाने में कम दें। कमलनाथ जी, यह पहला मौका नहीं है जब आप अपनों के निशाने पर हैं। इससे पहले भी आपके कई मंत्री और विधायक आपकी सरकार के ढीले रवैये पर कटाक्ष कर चुके हैं। दबी जुबान में तो आपके साथियों का कहना है, आप सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। लक्ष्मण सिंह के बयान के मायने बहुत साफ है। कांग्रेस के भीतर ही भीतर आपके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो चुका है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने चापलूसों के दायरे से बाहर आकर प्रदेश की सच्चाई को जान लें। कमलनाथ जी जब आपको आपके अपने ही कटघरे में खड़ा करेंगे तो फिर दूसरे लोग आपको क्यों छोड़ देंगे। सरकार मजबूरी में चल रही है, सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री से लेकर संसदीय कार्य मंत्री तक जोड़ तोड़ की बातें अगर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार कहां से दिखेगी। स्कूल भी खाली होंगे और डेंगू से लोग भी मर रहे होंगे। आज प्रदेश की हालत बहुत खराब है, लूटपाट की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री बयान दे देते हैं कि अवैध माइनिंग पर रोक लगेगी, और जो रोक लगाता है उसका स्थानांतरण करके अधिकारी को बता देते हैं कि तू रुक नहीं पाएगा अगर रोकेगा तो। SDM और कलेक्टर लड़ते हैं, एक का भी ट्रांसफर नहीं हो पाता क्योंकि वो अवैध माइनिंग में लिप्त हैं। तो ये ऐसी सरकार चल रही है कि जो ऊहापोह की स्थिति में है, किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी सरकार है। कमलनाथ जी, आपके मुताबिक ये वक्त बदलाव का है, लेकिन आपकी सरकार को एक साल होने जा रहा है और मध्य प्रदेश के हालात वही ढाक के तीन पांच जैसे हैं। आपकी कागजी योजनाएं और जुबानी जमा खर्च हकीकत के मैदान में आकर दम तोड़ देते हैं। इसीलिए जरूरी हो गया है कि आप अपनी क्षमताओं का आकलन फिर से करें और लक्ष्मण सिंह के कहे मुताबिक मजबूर से मजबूत मुख्यमंत्री बनकर दिखाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।